हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैमरा एप्लीकेशन के बारे में जिसकी मदद से आप फोटो क्लिक करके उसी समय उसको एडिट कर सकते हैं। उसमें इतने सारे इफेक्ट दिए हुए हैं कि आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को ऑटोमेटिक ही चेंज कर सकते हैं, उसे कट कर सकते हैं, अपने स्किन के कलर को चेंज कर सकते हैं, हेयर के कलर को चेंज कर सकते हैं, अपना कस्टम कोई भी बैकग्राउंड आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको इतना ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया कि बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको एडिट करने में। इस एप्लीकेशन को कोई भी बड़ी ही इजीली यूज़ कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में तो फिर देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो गाइस, जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं बात कर रहा था वो एप्लीकेशन है टेलीपोर्ट। इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अगर आप भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलने वाला है। तो सिंपल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ से हमें कैमरे का बटन दिया हुआ है, फ्लैश है, सेटिंग है, गैलरी, स्विच। तो फिलहाल यहाँ से हम फोटो एक क्लिक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो फ़ोटो वो पूरी तरह से क्लिक हो चुका है और यहाँ पर अभी कुछ इफ़ेक्ट हमें नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे फ़ोटो को रिकॉग्नाइज़ करेगा, ये देख लेते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोटो पूरी तरह से रिकॉग्नाइज़ हो चुका है। तो यहाँ पर अभी हमें हेयर कलर का ऑप्शन दिया हुआ, तो यहाँ से हम अपने हेयर के कलर को चेंज कर सकते हैं, किसी भी हेयर कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम चाहें तो बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पर हमें काफ़ी सारे बैकग्राउंड दिए गए हैं, वो बैकग्राउंड को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। या फिर हम चाहें तो यहाँ पर स्किन कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने स्किन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिलता है कस्टम बैकग्राउंड। तो यहाँ कस्टम बैकग्राउंड पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपनी गैलरी में से किसी भी फ़ोटो के बैकग्राउंड को ले सकते हैं। चलिए यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो यहाँ से इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरा जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। हम चाहें तो यहाँ बैकग्राउंड ब्लर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने बैकग्राउंड को ब्लर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से जब आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो काफ़ी कुछ और भी जान पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके अपनी पिक्चर को सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यही सब कुछ हमें इस एप्लीकेशन में मिलने वाला था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। नई वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे कि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।